आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हेलो स्टूडेंट, जो आज हमारे पास क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछ रहा है फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ठीक है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है x टेंड्स टू y, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस आर 46.3 किलो जूल पर मोल एंड 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द टेम्परेचर एट विच अबव विच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर है उसके ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। देखो स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब है जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा डेल्टा एच है मतलब इंथैल्पी चेंज है और जो हमारा एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, उसका अगर हम लोग टेम्परेचर में मल्टीप्लाई कर दें और उसका अगर हम लोग डिफरेंस ले लें वो भी लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो डेल्टा एच होता है माइनस टी डेल्टा एस होता है वो डेल्टा जी के बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या, इसके बाद डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, यहाँ से टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आएगा। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है 46.3 इंटू 1000 हो जाएगा क्योंकि किलो जूल है, अपॉन जो हमारी डेल्टा एस की वैल्यू वो कितनी है 108.8। ठीक है, तो इससे जो टेम्परेचर हमारा आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 425.5 के आसपास। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 425.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 25 केल्विन, क्योंकि केल्विन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना सब, तो केल्विन आंसर में आएगा, तो हमारा आंसर आएगा ये। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।